आमिर की फिल्म के ऑडिशन में फेल हुई सैफ की बेटी आदित्य ने किया रिजेक्ट। आमिर खान की मोस्ट वांटेड मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में लीड रोल के लिए सैफ अली खान की बेटी सारा का नाम सामने आया था। हालांकि अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो ऑडिशन में फेल हो गई, जिसकी वजह से उन्हें ये फिल्म नहीं मिल पाई। एक पॉपुलर वेबसाइट के हिसाब से सारा ऑडिशन के लिए आदित्य चोपड़ा के पास गई थी, लेकिन वो एक्टिंग से उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाई। यही वजह है कि आदित्य ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी सारा अली खान ऋतिक रोशन के साथ किसी फिल्म में डेब्यू करेंगी। इसके बाद करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से सारा के डेब्यू की खबरें आ रही थी। हालांकि ये भी झूठ साबित हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सारा रणवीर सिंह के ऑपोजिट किसी मूवी में डेब्यू करेंगी, लेकिन इसे भी अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है। सारा ने अगस्त 2012 में रैंप पर डेब्यू किया था। मौका था मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के होस्टेड एक पार्टी का। ये पार्टी डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला के फैशन वर्ल्ड में 25 साल पूरे करने के मौके पर रखी गई थी। सारा अबू और संदीप के डिजाइनर आउटफिट पहनकर रैंप पर उतरी थी।